क्या आनंद जी, गजब सवाल करते हैं। कद हमारा डायरेक्ट लिंक है, काजी मोदी जी हमारे मौसा लगते हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे हमारा डायरेक्ट लिंक है। अखिलेश जी से तो आप सरकार काम ही तो नहीं कर रही है। सरकार अगर काम करती तो इतनी समस्या क्यों होती? ये बताइए, आप अगर पैसा, आप नौकरी करते हैं जी, आप ड्यूटी करते हैं जी, तो घर पे पैसा तो आता है ना? बिल्कुल। आप जब काम करते हैं तो पैसा तो घर पे आता है ना जी? तो सरकार काम ही तो नहीं कर रही है। सरकार काम करती तो रोड पे क्यों लोग होते? रोड पे नहीं होते। आज दुनिया बोल रही है कि महंगाई है, मैं मुझे नहीं लगता महंगाई है। महंगाई इसलिए है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है। खेसारी लाल यादव के लिए अगर बताइए 500 रुपये लीटर तेल हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं फ़र्क पड़ता, इसलिए कि खेसारी के पास पैसे हैं जी, जे वो आप 500 रुपये भी लीटर तेल खरीद के अपने जीवन को चला सकते हैं। तो महंगाई इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है, हम बेकार हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है। अगर हमारे पास भी रोजगार होता, व्यवस्था होती, पैसे होते तो आप 500 रुपये का 1000 रुपये लीटर तेल कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई? तो इसलिए सबसे पहले कि हम रोजगार के लिए अगर लड़े तो शायद हमारे लिए बेहतर होगा, और वही हमारी जीवन चला सकता है और बच्चों का भविष्य हमारा रोजगार ही तय कर सकता है। महंगाई तो 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये तो हमेशा बढ़ती रहती है, और महंगाई अफिशियली बढ़ी है, इसलिए बढ़ी है कि हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, तो महंगाई तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आपने ये बात सही कही कि भाई महंगाई जो है वो गरीब लोगों को ज़्यादा महसूस हो रही है, लेकिन आपका तो खेसारी लाल जी का बहुत बड़ा नाम है, सारे सरकारों के पास डायरेक्ट एक्सेस है, किसी भी मुख्यमंत्री से खेसारी लाल मिल सकते हैं, किस प्रधानमंत्री से चाहे तो मिल सकते हैं। कभी उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की भैया देश में जनता मर रही है, कुछ कीजिए, किसान मर रहे हैं, कुछ कीजिए, खेसारी ने अपनी तरफ से पहल क्यों नहीं की? क्या आनंद जी, गजब सवाल करते हैं, कद हमारा डायरेक्ट लिंक है, काजी मोदी जी हमारे मौसा लगते हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे हमारा डायरेक्ट लिंक। अखिलेश जी से तो आप पिछले दिनों मिले ही थे, कम से कम वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अरे बताइए, तू रह चुके हैं जो है उनसे कहाँ मिले हम? बात वहाँ नहीं है अखिलेश जी, आनंद जी, बात यहाँ है कि हमारे मिलने से क्या समस्या, जो जमीन पे रह रहा वो बेहतर जानता है कि मैं बॉम्बे रह के बेहतर जानता हूँ? जमीन वाला बेहतर जानता है। तो क्या नीतीश चाचा जमीन पे नहीं है? वो फ्लाइटें में खाना खाते हैं, वो जमीन पे नहीं घूमते? हमारे योगी जी नहीं रहते हैं, अखिलेश जी नहीं रहते हैं, कौन नेता बताइए जमीन पे नहीं रहता है? वोट मांगने के लिए तो जाना ही पड़ता है जमीन पे, तो समस्या लोगों को तो देख ही रहे हैं लोग। मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो मैं कभी कभी जमीन पे जाता हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ तो समस्या देखने तो जाता नहीं, मैं अपना काम देखने जाता हूँ, मैं अपना काम करने जाता हूँ। लेकिन देखिए, हर आदमी के लिए एक जगह बनाई गई है, हमारे नेताओं को इसीलिए चुना जाता है ताकि हमारे समस्या को देखें, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, हमें इंटरटेन के लिए चुना गया है। मैं इंटरटेन के साथ साथ मैं कोशिश करता हूं कि मैं लोगों का उपकार भी करूं, लोगों का मदद भी करूं, मैं अपने विधा से हटकर एक इंसानियत का धर्म निभाता हूं, मैं हर एक आदमी का मदद करने की कोशिश करता हूं जितनी मेरी क्षमता है जी। लेकिन अगर किसी के लिए, अभी बताइए, आपको पत्रकार के लिए रखा गया है, सवाल पूछने के लिए रखा गया है, और आप ही इनसे कहेंगे कि सर वो सवाल कैसे पूछा जाएगा, तो दिक्कत है ना ये? बिल्कुल, क्योंकि आपका काम है, आप बखूबी उसको जानते हैं, लोगों की समस्या के लिए ही आपको चुना गया है, अपने राज्य की समस्या के लिए ही आपको चुना गया है। आप अपने बेटे को अमेरिका, अगर आप नेता बन जाते हैं तो आप अपने बेटे को अमेरिका पढ़ाते हैं जी, हॉस्टल में डाल देते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि सबके बेटे अमेरिका पढ़ने चाहिए? आपके अपने बेटे का भविष्य है और दूसरे के बेटे का भविष्य नहीं है। तो इसलिए हर समस्या से उलझने, जूझने के लिए, निकलने के लिए हम लोगों ने लिट्टी चोखा का एक निर्माण किया कि नहीं, कोविड के टाइम पे ही ना जी, कोविड से पहले, पिछले कोविड से पहला जो फर्स्ट जो आया था कोविड, उससे पहले हम लोगों ने समस्या शुरू हो गई थी किसानों की जी, जी, जी। तो हम लोगों ने उसी में बैठकर किसानों की समस्या को आगे करने की कोशिश की। अब सरकार इसको कितना, और लोग, मुझे लगता है कि इसी समस्या को लेकर अगर लोग जागरूक हों और इस सिनेमा को बड़े स्तर पे लेके जाएं, तो देखिए वो तो हमारी जनता के ऊपर है, हमने तो वर्क किया है किसानों की समस्या को लेके, अब देखिए हमारी जनता हमें कितना प्यार देती है। लेकिन मेरी आशा नहीं, ये विश्वास है कि जनता हमेशा अपने बेटा को अपने गोद में खिलाई है, और हमारी और पराग पाटिल जी की जोड़ी जब भी आई है कुछ अद्भुत करके गई है, जैसे कि संघर्ष आप लोगों ने देखा ही होगा, उसके बाद लिट्टी चोखा, आशी की, इसके बाद भी जब इनके पास वक्त होगा तो मेरे को लेकर डायरेक्ट करेंगे,
अभी तो ये बहुत बिजी हैं जी। तो ये जी, कब वक्त होगा फिर से बताइए अब आपका मेरे के सामने। इनका डेट सारा वक्त मेरा इन्हीं का है। अब इनके पास जब सारा वक्त सारा जो भी है सारा टाइम। देखिए मैं केसारी जी से जुड़ने से पहले संघर्ष से पहले सचमुच मेरा जीवन संघर्षमय रहा है। केसारी जी ने साथ दिया, केसारी जी ने हाथ दिया और संघर्ष के बाद जीवनी एज एन डायरेक्टर मेरी बदली वो ड्यू टू केसारी जी। एक बात बताएं, मैं समझ सकता हूं कि ठीक है उस वक्त आपकी चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंची, हो सकता है जो कोई बड़े लेवल के हस्ती आपके साथ नहीं जुड़ा था, लेकिन मैं बड़े लेवल का तभी बनता हूं जब आप जैसे लोग हमारे पीछे काम करते हैं। आप हमें बड़ा करने के लिए क्या नहीं करते हैं, भैया ये पहनिए, भैया ऐसे चलना है, भैया ये करना है, भैया ऐसे करना है। तो देखिए गार्जियनशिप जो होता है तो ये गार्जियन का बखूबी आप किरदार जानते हैं कि गार्जियन का रोल क्या होता है और आप गार्जियन का रोल अदा करते हैं तभी मैं एक अच्छा पुत्र बन के निकलता हूँ इस दुनिया में। देखिए गार्जियनशिप में जो भी इंसान काम करेगा मुझे लगता है जो दुनिया का सबसे अच्छा पुत्र साबित होगा। और मैं एक बेटे की तरह ही काम करने की कोशिश करता हूँ हर डायरेक्टर के सामने।